हाय गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल चित्रस कॉर्नर। और आज मैं आपको लेकर आई हूँ फरीदाबाद के फरीदाबाद मेगा ट्रेड फेयर में। जी हाँ, जो कि 4 दिसंबर से लगा हुआ है और 12 दिसंबर तक लगेगा ये। और यहाँ पर ये जो एंट्रेंस है, मतलब यहाँ से आपको टिकट लेनी होती है, तो एंट्री टिकट है 20 रुपीज़ पर पर्सन। सो मैं आपको बता दूँ, बिना मास्क की एंट्री नहीं है। वो देखो कैमल खड़ा है उधर, वो देखो कैमल दिख रहा है, यहीं खड़े हो जाओ बस। हाँ बिठाएंगे। सो गाइस, यहाँ पर ये जो कैमल है, ये 2 कैमल है यहाँ पर, और 100 रुपीज़ राइड है इनकी, पर पर्सन 100 रुपीज़ राइड है। और आपको दिखाएंगे कि युग पहले डर रहा था और बाद में की या नहीं की, तो आप देखेगा पूरा व्लॉग। और मेरी सब्सक्राइबर भी मिलेंगे मुझे यहाँ पर, तो आप पूरा व्लॉग देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। बहुत इन्जॉय करने वाले हैं आप। तो मैं पूरी अच्छे से कोशिश की है मैंने इस वीडियो में कि आपको सारी चीज़ें मैं दिखा पाऊँ, तो ज़रूर देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नहीं नहीं, यहाँ पे बैठा। सो गाइस, यहाँ पर सारी फैसिलिटी है, मतलब एमरजेंसी में एम्बुलेंस भी खड़ी है एमरजेंसी के लिए। और यहाँ से होती है एंट्रेंस, और ये जो है गार्ड है और ये टिकट चेक करते हैं। सो मास्क ज़रूर पहन के जाइएगा। तो यहाँ से एंट्री होती है, और ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर लगाए गए हैं अलग अलग जो हैं शॉप्स लगी हुई हैं, तो टेंट शॉप बनी हुई है ये। तो ये हर साल लगता है, और 4 दिसंबर से 12 दिसंबर लगा हुआ है, फिर से मैं बता दूँ आपको। और यहाँ पर ये देखिए वेंटिलेटर वगैरह भी यहाँ पर सेल हो रहे थे छोटे छोटे से। और यहाँ पर गर्ल्स के लिए बहुत सारी वैरायटी है, बट आगे आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि कुछ कुछ चीज़ें जो हैं सही भी नहीं है यहाँ पर, तो आगे आगे मैं आपको दिखाती हूँ। और लास्ट तक देखिएगा वीडियो, मेरी एक सब्सक्राइबर भी मुझे मिलने वाली है यहाँ पर, तो ज़रूर देखिएगा। सो ये देखिए यहाँ पर शॉल वगैरह मिल रहे हैं, कश्मीरी शॉल हैं, काफ़ी अच्छे हैं। तो मैंने सोचा, मैंने स्टार्टिंग में जो है आपको खुद को नहीं दिखाया, तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये बनारसी दुपट्टा कितने का है? पिंक ये साड़ी है। हाँ, साड़ी है। साड़ी कितने की है? 6500। प्योर बनारसी है? नहीं, वो प्योर नहीं है, प्योर बनारसी आएगी आपको 15,000-20,000। तो उसमें भी तो वैरायटी होती है ना, कि क्या कहते हैं 15,000 की हर एक थोड़ी पा जाएगी, वो मिनिमम। हाँ, जो मिनिमम होगी वो। ये भी 6 की बता रहे हैं ना, 6,000। क्या साड़ी है? हाँ। और ये तो अब वैसी थोड़ी होती है, काट वाली ये सब आएगी। वो तो वो पाएंगे आपकी 15,000 की, जो काट वाली होती है। कौन सी वाली होती है? स्टार्टिंग होती है उसकी 50,000 तक। ये कितने स्टार्टिंग? 6,000। 6,000 पिंक। ये इतनी रेंज की होंगी सारी फिर? नहीं, ये सब है ना, ये कम के है, 2,500 की है ऐसे। अब ये जो ब्लू है, ये कितने की है? वही इतनी। अच्छा, वही चीज है। मुझे लगा था दुपट्टा है, मैं दुपट्टा करके पूछा था। सो अब ये देखिए, मैं जो कह रही थी, ये देखिए ये टी शर्ट फ्रेश नहीं लग रही है मुझे, बिल्कुल नहीं लग रही है। इस पर ये देखिए लिंट बॉल्स कितने हैं, मतलब रुए रुए से हैं। तो एक जगह पर लिंट बॉल्स उतारे भी जा रहे थे मशीन से, तो इसका मतलब फ्रेश माल नहीं है, भले ही सस्ता मिल रहा है। देखिए 250-250 में मिल रहा है। इसमें कॉटन में? हाँ जी, हाँ जी। क्या प्राइस है? सिंगल डबल 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 500-600। वुलन में नहीं है? वुलन में नहीं, वुलन में नहीं। अब देखिए जो फ्रेश चीज होती है वो अलग ही दिख जाती है। तो अभी जो मैंने बेडशीट दिखाई वो फ्रेश थी। तो ये देखिए यहाँ पर ज्वेलरी भी बहुत हैं, आगे आपको दिखाऊंगी मैं। ये इस तरीके की सारी ही शॉप्स हैं। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देखते जाइए आगे आगे। तो यहाँ पर युग को लेनी थी कॉटन कैंडी, तो ये जगह जगह पर हैं। बच्चों के खाने का अच्छे से अरेंजमेंट है, बड़ों के लिए भी खाने का, मतलब खाने की कोई वो नहीं है, आप खा सकते हो। तो ये देखिए
400 और ये 550 में कुर्ते हैं, तो प्राइस मुझे ठीक लगा, बट ऐसा कुछ यूनिक चीज़ नहीं लगी कि हाँ भाई हम यहाँ जा रहे हैं तो यूनिक है कुछ। ये शूज़ है देखिए सामने, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ब्रांडेड लेदर है, जो चीज़ 4500 की है वो जूता मतलब 750 में मिल रहा है। ये वुलन है स्वेटर, दो पीस आपको मिलेंगे, तो वो जो सामने प्राइस लिखा हुआ है उतने में मिलेगा आपको। तो ये देखिए शर्ट्स भी थी यहाँ पर, स्वेटर्स भी थे, तो टू पीस आपको मिल रहा है 500 रुपये में। तो ये देखिए यहाँ पर ब्रशेस थे, मतलब स्ट्रेटनिंग मशीन, और आगे आप देखना बेल्ट। ले लो, बोरी कर रहा हूँ माल अभी आपके सामने, 400 दे देना, इससे कम क्या लोगे। ये है आपका 7-8 साल आराम से पीछे, कोई दिक्कत नहीं। भाई गलत चीज को देखिए, बोल के देखो भाई, तुम दर्शन भाई अभी सुबह चेंज कर रही हो ना, इसमें भी लगाना है, कोई दिक्कत नहीं। होल कर दो क्या? हाँ होल ये स्मेल इसी की आ रही है, कमरे मतलब आती है तो चमड़ा है, मतलब ओरिजिनल लेदर भी जलता है, जलने के बाद ना सिस्टर सुकड़ जाएगा, वैक्सीन जो है वो सुकड़ेगी नहीं, तो पिघल जाएगी। गाड़ी की बॉडी पे सिला जाता है, कपड़ा कभी भी गिलास साफ नहीं करता, ध्यान से देखिए एक बार में गाड़ी की बॉडी गिलास में ड्रेसिंग करके डेंजर में गिरे बटन साफ करेगा।
मसाज हो जाएगी कमर में, फिर क्या होगा? आराम आ जाएगा, फिर क्या होगा? फिर आप हैप्पी हो जाओ। सो आपने देखा गाइस, वो तेल दिखाया था जो कि नीम ऑयल था जिससे ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाती है। सो वो सब थे, ज्वेलरी दिखाई मैंने आपको, और यहाँ पर देखिए 100 की सेल लगी हुई है। ये जो ऊपर कोट वगैरह लगे हुए हैं ये देख सकते हैं आप। आगे जो है 300 की जैकेट्स भी लगी हुई हैं, वो आप सामने देख रहे हो जैकेट्स हैं। और ये देखिए जो हैंगर में है वो भी 300 की है। और इधर जो है बोटिंग कर सकते हैं, बच्चों के लिए बोटिंग है। तो ये देखिए इस तरीके के ब्लेज़र, कोट, ओवर कोट, ये सब 300-400 में मिल रहे थे यहाँ पर। तो यहाँ पर सामने भी खिलौने हैं बच्चों के लिए, और ये क्रॉकरी वगैरह भी थी यहाँ पे। तो ये देखिए ये लोग ट्राई भी कर रहे हैं। तो ये जैसे सरोजनी में मिलते हैं कम प्राइस में, उस टाइप के थे, मतलब कुछ अलग हटके नहीं था। और बाकी आप घूमने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है, आप घूम सकते हैं, देख सकते हैं, कुछ लेना हो तो ले सकते हैं। खाने पीने का भी अरेंजमेंट है, देखिए अच्छे से। ये निशाने वगैरह के लिए बॉल है, तो ये सब भी खेल भी सकते हैं। तो यहाँ पर जो है चाट भंडार है, और ये देखिए कूलर में चाय है, दूध भी है, शायद पिज़्ज़ा भी है। तो सारी फैसिलिटी यहाँ पे दी गई है। हाँ, थोड़ा मुझे प्राइस बाहर से ज़्यादा लगा, कि मतलब बाहर ठीक है, और यहाँ पर जो ये लाइम सोडा था ये 30 रुपीज़ का छोटा सा ग्लास था, तो थोड़ा मुझे कॉस्टली तो लगा, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है यहाँ पर। बट ठीक है, अगर आप घूमने आए हो तो इतना तो ले ही सकते हो, क्योंकि बाहर जाने से अच्छा फिर यहीं पर खा लें। तो ये देखिए ये चाट पापड़ी, गोलगप्पे, सब कुछ अवेलेबल था यहाँ पर। तो आपको सभी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी, तो आप भूख लगेगी अगर यहाँ पर, तो आप भूखे नहीं रहेंगे, आप यहाँ पर कुछ भी खा सकते हैं। तो आप घूमिए, आइए यहाँ पर, ये 12 दिसंबर तक ही है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप ले सकते हैं। मेरे हस्बैंड ने भी बेल्ट ली है, और एक और ज़्यादा कुछ नहीं लिया है, एक बेल्ट ली है हमने भी। तो यहाँ पर हम लाइम सोडा बनवा रहे हैं। अब व्लॉग बना दो, कल परसों डालेगा शायद। यार तो बहुत है, चल रहा है, ठीक है यार। क्या नाम है आपकी गुड़िया का? अनुष्का। अच्छा। सो यहाँ पर गाइस, अभी जो आपने आवाज़ सुनी वो मेरी सब्सक्राइबर थी, और ये जो आपको दिख रहे हैं येलो में, अभी मैं वापस से दिखाऊंगी, ये देखिए ये मेरी सब्सक्राइबर हैं। सो ये जो हैं काफ़ी देर से मुझे देख रही थी, और इनकी जो डॉटर है वो मुझे मिलना चाह रही थी, बट जब वो मुझसे मिले तो वो नहीं मिली, मतलब वो कहीं और थी। तो और भी बातें हुई हमारी, तो उनसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड ट्राई कर रहे हैं स्कूटी जो कि बैटरी वाली थी। आराम से बैठ जाओ, स्टेयरिंग को पकड़ो। हाँ इधर देखो, लेफ्ट मोड़ो, पकड़ो पकड़ो। बस हो गया शौक पूरा, चलो। आते हैं।
इधर देखो दोनों, इधर देखो योग, इधर देखो योग, देखो योग योग। सो गाइस, अगर आपके घर में भी बच्चे हैं तो उन्हें जरूर लाइए, बहुत इंजॉय करने वाले हैं वो। पर स्विंग से ट्रेन थी, वहीं से हमने जो है एग्जिट किया था, इधर से इसके दूसरी साइड से जहाँ पर कैमल थे स्टार्टिंग में, आपने देखा होगा। तो आई होप गाइस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिन्हें यहाँ पर घूमना हो, और आप भी आ सकते हैं। और सब्सक्राइब कर लीजिए फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं, और साथ में बेल आइकन उसे भी हिट कर दीजिएगा। सो आई होप आपने बहुत इन्जॉय किया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर। अब ये बताओ, डर लगा आपको? नहीं। फिर ऐसे डरते नहीं है बेटा।